अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा खैरु नासिरिन व मुईन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन। मुहर्रम का चाँद नज़र आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में तमाम तर रकावटों के बावजूद, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, सफ़े अज़ा दिलों के साथ साथ, घरों के साथ साथ, फ़र्श अज़ा इमाम बारगाहों में बिछते हुए हम सब देख रहे हैं। और मुहब्बीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम के लिए ये सबसे बड़ा एज़ाज़ है कि हम जान और माल और मन तन धन के साथ गमे हुसैन का अक़ीदत के साथ मनाने का वादा करते हैं, और ये हमारे रगों में जारी खून का एक एक कतरा भी गवाही दे रहा है। कोरोना वायरस के साथ साथ दुनिया में जहाँ हर कोई अपनी जान को बचाने के लिए हर दर पर जाते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं, वहाँ मुहब्बीन अली इब्न अबी तालिब का ये नारा लगा लेना कि दुनिया जिस तरह भी हो ख़तरात को हम मोन लेंगे, लेकिन फ़र्श अज़ा को हम बिछा कर रहेंगे। और क़ल्ब महजून और मग़मूम में फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ़ को हम पुरसा दे कर रहेंगे। सलाम है आप सब अज़ादारान सैयदुश्शुहदा पर। सलाम है तमाम फ़र्श अज़ा बिछाने वाले बानियाने मजालिस पर। सलाम है ख़ादिमान हुसैन पर। सलाम है मरसिया पढ़ने वाले अज़ादारों पर। सलाम है नोहा पढ़ने वाले नोहा खानों पर। सलाम है फ़र्श अज़ा पे मेहमान फ़ातिमा बनकर बैठने वाले हर अज़ादार पर। और सलाम है नाम हुसैन को सुनकर अश्कबार आँखों के साथ एक मरतबा फिर मुहर्रम और सफ़र में हुसैन के साथ हुसैनी बनने की बेअत करने वाले तमाम मोमिनीन और मोमिनात पर। इस साल भी हर साल की तरह हिदायत टीवी के ज़रिए हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी सीरत, आपके मक़ासिद, और ये कि आज के इस नाजुक दौर में हम अगर अपने आप को सही मानों में हुसैनी बनाना चाहें और उस हुसैनी बेअद, वो हुसैन के साथ जो एग्रीमेंट हमारी हो गई है, वो हुसैन और जनाब ज़ैनब के साथ जो कमिटमेंट हमने कर ली है, किस तरीक़े से आज़ादारी का हक़ हम अदा कर सकते हैं और किस तरीक़े से नासिरीन अबा अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ुमरे में हम शामिल हो सकते हैं। परवरदिगार आलम हदीस क़ुदसी में है कि बादशाह खुरासान गरीब अलग़ुरबा इमाम रऊफ़ अनीसन नुफूस वली नेमत जमहूरिया इस्लामी ईरान इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं, इज़ा अरादल्लाहु अब्दन खैरा फ़क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व ज़ियारतल हुसैन। खुदा का लाख लाख शुक्र कीजिएगा कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब ने, हमारे आबा व अजदाद ने सबसे पहले हमें मुसलमान होने के साथ साथ दीन इस्लाम होने के साथ साथ मज़हब तशय्यो, और मज़हब तशय्यो में विलायत की नूर को मेरे और आपके वजूद में नूरानी और मुनव्वर कर दिया। आज उनके हक़ में दुआ मांगते हुए चलिए इस हदीस को सरनामे कलाम करार देकर आज फर्स्ट प्रोग्राम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दामन को थाम कर कोशिश ये हम सब मिलकर करेंगे कि इस साल की जो आज़ादारी है, इस साल का जो मातम है, इस साल में जो फ़र्श अज़ा हम बिछाएंगे, इस साल में जो हम करबला से दूर आंसू बहाएंगे, इस साल में मैं नहीं जानती कि चहलुम तक क्या होने जा रहा है, क्या रास्ता खुलेगा, क्या सफ़र इश्क का वो रवां दवा काफ़िला जो पूरी दुनिया में निज़ाम विलायत को बर्पा करने के लिए एक बेहतरीन आईना, बेहतरीन ज़रिया और एक पैगाम करबला को हर जाने अनजाने काले गोरे मुस्लिम नॉन मुस्लिम बल्कि पूरी दुनिया तक सदाए हुसैनी को पहुँचाने का जो ज़रिया सफ़र इश्क है, न जाने इस साल मुयसर होता है या नहीं होता है, लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तुम अगर यूके में हो, तुम अगर यूएसए में हो, तुम अगर यूएई में हो, तुम अगर कनाडा में हो, तुम अगर पाकिस्तान या इंडिया में हो, तुम जहाँ कहीं पर भी हो, मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तुम जहाँ पर भी फ़र्श अज़ा बिछाओ, तुम जहाँ से भी हुसैन का नाम लेकर रोने की कोशिश करो, तुम जहाँ चाहो जनाब सैयदा को, अली मुर्तज़ा को, यूसुफ़ ज़हरा को तुम पुरसा दे दो, ये मैं ज़ामिने आहू जिसने हिरनी की ज़मानत कबूल कर ली, मैं तुम्हारी ज़मानत कबूल करते हुए ये ऐलान कर रहा हूँ इज़ा अरादल्लाहु अबदन खैरा फ़क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व ज़ियारतल हुसैन, कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ा अरादल्लाहु अब्दन खैरा यानी जब खुदा अटल फ़ैसला करता है, खुदा जब 100% डिसीजन लेता है कि अपने बंदों में से किसी बंदे पर तमाम तर रहमतों का दरवाज़ा खोल दे और उसके घर से कोई खाली हाथ ना जाए, उसके घर को हर शर से, हर आफात से, हर बला से, हर ताउन से, हर वबा से, हर वायरस से महफूज और बचा कर रखे और उसकी आक़िबत बख़ीर करे, यानी खुदा जब किसी लकी पर्सन के लिए ये फ़ैसला करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दो नेमतें उसे अता करता है। ए गम हुसैन में रोने वाले, आज इस हदीस को सुनते हुए इमाम रज़ा की ज़ियारत को पढ़कर आप शुक्रिया अदा कीजिएगा कि इस गरीबुल ग़ुरबा ने यहाँ से, ईरान से आपकी मेरी हम गुनहगारों की ज़मानत को कबूल फरमा रहे। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिसको दो नेमतें मुयसर हो, जो दो क्वालिटी अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाने में, अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाने में, अपने रफ्तार, किरदार, अखलाक, आज़ादारी और अपने महफिलों में, अपनी मजालिस में, अपनी खुशी और गम में दो सिफत को जो कोई अपने साथ रखे, ये खुदा का वादा है। जामिन जो है इमाम रज़ा बन रहे हैं कि खुदा तमाम तर रहमतों के दरवाज़ों को आप पर खोल देगा। वो दो क्वालिटी क्या है आज़ादारान सैयदुश शुहदा? आप जहाँ पर भी फ़र्श अज़ा बिछाएं, मुझे नहीं मालूम आप दिन में कितनी मजालिस अटेंड कर लेते हो, क्वांटिटी में यार नहीं है, क्वालिटी में यार है। और वो क्वालिटी आज इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की नूरानी हदीस के ज़रिए मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। भले एक ही मजलिस अटेंड क्यों न करें आप, ये दो क्वालिटी अगर आपके लाइफ का हिस्सा बन जाए, इमाम रज़ा आपकी ज़मानत ले रहे हैं कि अल्लाह रहमतों के दरवाज़ों को आप पे खोल देगा। आप हुसैनी बनोगे, आप ज़ैनबी बनोगे, आक़िबत आपकी बख़ीर होगी। और जब आप हाथ दुआ के लिए उठाओगे, अल्लाह एक के बदले 10 आपको अता करके आपको खैरुल बरिया का मिस्ताक बना देगा। you know, कितनी प्यारी हदीस है। और वो दो क्वालिटी क्या है? फ़क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व ज़ियारतल हुसैन। वो दो क्वालिटी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़क़ज़फ़ा, क़ज़फ़ा अरबी ज़बान में किसे कहा जाता है? जैसे आटा गूंदने के लिए लेडीज़ क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं, फिर उसके बाद पानी, दूध, इस तरीके से कि वो नमक गुम हो जाता है उसके अंदर। इसी तरह इमाम रज़ा इस हदीस में फरमा रहे फ़क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहु तआला उसके पूरे वजूद में यानी उसके अक़ीदे में, उसकी फ़िक्र में, उसके रफ्तार में, उसके किरदार में, उसके अखलाक में, उसकी नमाज में, उसकी इबादत में, उसके मुस्कुराने में, उसके रोने में, यानी लाइफ टाइम उसकी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर उसके रगों में जारी खून के एक एक कतरे में ए खुदा हुब्बल हुसैन, हुसैन की मोहब्बत को कूट कूट के उसके वजूद में डाल देता है और वो एक हुसैनी मरकज़ और महवर बन जाता है। आप अलम को हाथ में ना उठाओ, आप काले लिबास ना पहनो, आप फर्श अज़ा पे ना बैठो, लेकिन आपकी इबादत को देखकर दुनिया समझ जाएगी कि ही इज़ हुसैनी, शी इज़ हुसैनी। आपके अखलाक को देखकर, आपके रफ्तार को देखकर, आपके एटीट्यूड को देखकर, वो खूबसूरत इबादत में जो हलावत आपकी देखकर, आपके सजदों को देखकर, आपके खुजू और खुशू को देखकर दुनिया कहेगी कि शी इज़ हुसैनी, ये तो हुसैनियत की अक्कासी कर रही है। इस जवान लड़के के अंदर हमें अली अकबर की सीरत का झलक नज़र आ रहा है। वज़ियारतुल हुसैन। और जब खुदा आपके वजूद को रफ्तार में, किरदार में, यानी आपको ही मरकज़ हुसैनियत जब खुदा बना देता है, दूसरी क्वालिटी क्या है? वज़ियारतुल हुसैन। लाइफ में अगर वो अपने पैरों से चलकर करबला तक आने में कामयाब हो जाए, वो हुसैन के कब्र अथर को सीने से लगाकर पुरसा देने में कामयाब हो जाए, वो हुसैन और अबुल फजल अब्बास के रोज़े के दरमियान बैनुल हरमैन का तवाफ़ करने में कामयाब हो जाए, वो सहने अकीला में नमाज़ पढ़ने में कामयाब हो जाए, वो तिल्ले ज़ैनबिया पे खड़े होकर बीबी के नियाबत में ज़ियारत पढ़ने में कामयाब हो जाए, वो शाम गरीबा कत्लगाह जाने में, वो चहलुम पे करबला जाने में, यानी ज़िंदगी में भले वन टाइम ही क्यों ना हो, वो अगर मारिफत के साथ, ये शर्त है। क्योंकि हमारे दरमियान में बहुत सारे ऐसे हैं जो साल में 3 दफ़ा, जो इवन साल में 4 दफ़ा, जो अरफा पर भी, जो 15 ऑफ शाबान में भी, जो 18 ऑफ रमज़ान में भी, जो हर स्पेशल डेज़ में अपने आप को करबला पहुंचाने वाले भी हैं, बट उसकी ज़ियारत में वो मारिफत, वो मानवियत, वो रूहानियत, वो जो हुसैनियत के अक़दार जो है हमें उसके लाइफ में नज़र नहीं आता, वो तो फॉर्मली जा रहे। लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इस खूबसूरत हदीस में फरमा रहे कि जिसके रफ्तार और किरदार हुसैनी हो और अक़दार हुसैनी की पासदारी करे, उसके बाद अगर ज़ियारत करे तो परवरदिगार आलम सआदत, आक़िबत बख़ीरी और तमाम तर रहमतों के दरवाज़ों को उस पर खोल देता है। इंशाअल्लाह इस सिलसिलेवार प्रोग्राम में हम वो रास्ते आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं इस प्रोग्राम में कुछ गंज शहीदा में मौजूद उन असहाब का ज़िक्र करना चाहूँगी जिनका नाम मेंबर से बहुत कम लिया जाता है, जिनके हवाले से हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन बहुत कम है। ऐसे हीरोज़ है हुसैनी कि आपको किसी और को, आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को, आपके घर के मर्दों को, हमारे माशरे में किसी को और आइडियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर हवाले से शुजाअत के हीरोज़ भी, मानवियत के हीरोज़ भी, और बहादुरी के हवाले से, इमामत की पासदारी के हवाले से, दुनिया में रहते हुए अपने आप को अर्श तक पहुँचाने के हवाले से ऐसी ऐसी खूबसूरत क्वालिटीज़ के हामिल हुसैनी हीरोज़ है। मैं बताऊं क्या आपको, गंज शहीदा में हम कोशिश करेंगे इस खूबसूरत प्रोग्राम में इन असहाब का ज़िक्र करें। और वो जो रजज़ उन्होंने पढ़ा है, मैं हर रोज़ एक रजज़ की तरफ इशारा करूँगी जो शायद आप में से बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा मेंबर से। और हर रजज़ में मेरे लिए, आपके लिए एक मैसेज है दुनिया में कामयाब, दुनिया में आक़िबत बख़ीर और दुनिया में मोहताजी से बचने के लिए, और इमाम ज़माना अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की आमद के लिए अपने आप को, अपने फ़ैमिली मेम्बर्स को और अपने घर को इवन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए आमादा करने के लिए। इसलिए कि मैं बहुत खूबसूरत हदीस से आज फर्स्ट प्रोग्राम में इमाम रज़ा के इस हदीस के साथ साथ शुरू करना चाहूँगी। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 35 में एक बहुत खूबसूरत खूबसूरत हदीस है कि रसूल खुदा रहमतुल्लिलआलमीन मुहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फरमा रहे हैं अरबअतु अना शफ़ीउन लहुम यौमल क़ियामह। चार लोग हैं, ओके, चार लोग हैं, मेल फीमेल, जवान बूढ़े, शहरी देहाती, करबलाई नजफ़ी, इंग्लैंड के, अमेरिका के, पाकिस्तान के, ईरान के, इराक़ के, आई डोंट नो। रसूल खुदा फरमाते हैं अरबातुन, चार लोग हैं, कोई भी हो सकता है। मेरी दुआ है उन चार लोगों में से मैं, आप, हम सब शामिल हो जाए इंशाअल्लाह। फरमाते हैं अना शफ़ीउन लहुम यौमल क़ियामा, उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, किस लिए कि उनके कुछ मांगने से पहले वो किसी शफ़ी के इंतज़ार करने के बजाय शफ़ी उनका इंतज़ार कर रहा होगा। वाह सुभान अल्लाह, मैं उनके लिए शफ़ी हूँ और ये सरप्राइज़, ये नवीद, ये खुशखबरी मैं अभी से दे रहा हूँ चार लोगों को। नंबर वन, मुईनुन ले अहले बैती, देखिए मुईनुन ले अहले बैती, जो मेरी अहले बैत की नुसरत करे। किस तरह? मैदान करबला में जाकर, और आज हम करबला नहीं जा सकते हैं, आज वो करबला बपा नहीं है, तो आप अपने अमल से, रफ्तार से, किरदार से, अखलाक से, इल्म से, दुनिया में मौजूद आज़ादारी से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, उन तमाम तर कन्फ्यूजन को दूर करके अपने इल्म के असलहे को इस्तेमाल करके आज लड़िएगा ज़ैनबी अंदाज में, और हमारे जवानों को उस फ़िक्री असारत से आप छुटकारा दीजिए। रसूल खुदा आपके लिए ज़ामिन है। ये जो फ़र्श अज़ा बिछाने वाले हैं, ये जो इमाम बारगाहों में इंतज़ामिया है, ये जो वॉल्टियर्स है, वो सब इस हदीस का मिस्ताक बन रहे हैं। और सेकेंड चीज़, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मुईन अहले बैती, मेरे अहले बैत के लिए इवन एक कतरा आंसू बहा कर भी मदद करे। और दूसरे लोग वो है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वलक़ाज़ी लहुम हवाइजहुम, यानी इमाम ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की हाजात को बरावरदा करे। कैसे बरावरदा करे? उनके हरम को फाइनेंशली आप जो है डोनेशन दे दे, आप करबला जाकर करबला को आबाद रखे, आप ईरान आकर ईरान को आबाद रखे। कि दुश्मन इस हुजूम से डरते हैं, सफ़र इश्क से किस कदर दुनिया में एक खौफ फैल गया कि कहीं ऐसे ना हो इमाम ज़माना आ जाए। आपको पता है कि 40 के इस सफ़र से पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि यकीनन इमाम ज़माना का ज़ुहूर करीब है। और तीसरे ग्रुप वो जो फरमा रहे हैं अल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व लिसानिही, जो मोहब्बत का इजहार करे सबसे पहले दिल में, उसके बाद ज़बान से भी विलायत अली का इजहार करे, मोहब्बत का इजहार करे। और फोर्थ अद्दाफ़िउ अन्हुम बियदिही, वो लोग जो मुदाफ़े विलायत बने, मुदाफ़े अहले बैत बने, बियदिही अपने हाथों से, यानी कलम उठाकर क्वेश्चंस का जवाब लिखे, कलम उठाकर अक़ीदती सवालात का जवाब दे, या ये कि बियदिही आप अपने हाथों से फाइनेंशली नुसरत करें, या ये कि आप अपने हाथों से लोगों को हाथ पकड़ के करबला तक ले जाए, मदारिस को आप आबाद करें, दीनियात सेंटर्स को आप आबाद करें। ये रसूल खुदा का वादा है बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 35 में, और बहुत मोतबर तफसीर है, तफसीर फ़ुरात कूफ़ी सफ़ा नंबर 128 में ये खूबसूरत रवायत है कि जिसमें रसूल खुदा ने फरमाया अरबातुन अना शफ़ीउन लहुम यौमल क़ियामा, चार लोग हैं जिनके लिए मैं शफ़ी हूँ क़यामत के दिन। वलौ आतूनी बिज़ुनूबि अहलिल अर्ज़, वलौ ये कि वो पूरे अहले ज़मीन के गुनाहों के बोझ को लेकर भी आ जाए, मैं फिर भी उनके लिए शफ़ी बनूँगा। मुईनुन ले अहले बैती अलक़ाज़ी लहुम हवाइजहुम इंदमा तुरिरू इलैहि वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व लिसानिही वद्दाफ़िउ अन्हुम बियदिही। परवरदिगारा मेरी दुआ है, खुदाया परवरदिगारा, मुहर्रम और सफ़र का हक़ अदा करना हम सबको नसीब फरमा दे। परवरदिगारा हमारी इस आज़ादारी को अपने बारगाह में कबूल फरमा दे। ए खुदा, जहाँ जहाँ इस प्रोग्राम को सुनकर लोगों ने अपने दिलों में सिर्फ एक नीयत कर ली कि मैं नासिर बनूँगा, खुदाया इन्हें मैदान इल्म में, इन्हें मैदान अमल में, इन्हें सीरत के मैदान में नासिर हुसैन बना दे। खुदाया परवरदिगारा हमें सफ़र इश्क नसीब फरमा दे। जो करबला जाना चाहते हैं उन्हें करबला नसीब फरमा दे। खुदाया बानियान आज़ादारी की हिफाजत फरमा दे, आज़ादारान सैयद शुहदा की हिफाजत फरमा दे, हम सब की आज़ादारी को कबूल फरमा दे। जैसे हुसैन चाहता है वैसे ही आज़ादार बनना हम सब को नसीब फरमा दे। हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।